हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की एक फेमस पूड़ी है जिसे हम चौसेला बोलते हैं, या तो ये होता है चावल आटे की पूड़ी जिसे छत्तीसगढ़ी में चौसेला बोलते हैं। ये बहुत ही टेस्टी यम्मी होता है फ्रेंड। ये जो गेहूं आटे का पूड़ी है उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। वैसे आप जानते हो छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान की फसल ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ अधिकतर आइटम चावल आटे से भी बनाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल आटे की पूड़ी जिसे हम चौसेला बोलते हैं। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए फ्रेंड। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको भी मेरी अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर पहले पहले व्यूवर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड। और मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड, जिससे मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। अब चलिए फ्रेंड, इसे हम बनाने स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये आटा ले लिया है, चावल का आटा है। इसे एक कटोरी में चावल का आटा ले लिया है। इसमें हाँ, सबसे पहले फ्रेंड, ये चावल के आटे में हम थोड़ा सा नमक और अजवाइन और कसूरी मेथी इसे डाल के इसे रख देते हैं। ये देखिए, अजवाइन और ये कसूरी मेथी को मैंने इसे मिक्स कर लिया, और स्वाद अनुसार नमक। और एक बर्तन पे हम पानी गर्म करने रखते हैं, इसके से हम आटा को गर्म पानी से गूंथेंगे फ्रेंड। तो ये बर्तन मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए पानी। ये देखिए फ्रेंड, पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसे हम गर्म पानी को आटे में डालेंगे। हमने आटे में नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी पहले से मिला के रखा था। अब इसे हम आटा डाल के धीरे पानी डाल के धीरे धीरे इसे सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। ये देखिए, गरम पानी को इसमें डालते हैं और धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाइए। इसे गरम पानी से इसलिए गूंथा जाता है फ्रेंड, क्योंकि चावल आटे का जो पूड़ी है वो टूट जाता है, इसलिए इसे गर्म पानी से गूंथने से इसका पूरी ठीक से बनता है। ये बेलते बनता है और टूटता भी नहीं है, तो इसे गर्म पानी से ही किया जाता है। और अगर आप नए चावल से बनाओगे तो और ज़्यादा ही टेस्टी बनता है ये पूड़ी जो है। नया चावल के आटा जब आता है उस समय आप बनाओगे तो ज़्यादा ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। जब ये ठंडा होगा तो हम धीरे धीरे इसे यहाँ से हाथ से गूंथेंगे फ्रेंड। अब इसे हम चम्मच से मिक्स कर रहे हैं। देखिए, इसे पानी डाल के रख दिया है मैंने गर्म पानी। अब इसे ठंडा होगा तो धीरे धीरे हम हाथ से गूंथेंगे। देखिए, थोड़ा ठंडा हो रहा है, अब इसे हाथ से गूंथ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसे धीरे धीरे अब हम हाथ से गूंथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है ये, और इसे अच्छे से सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये आटा गूंथ गया है और यहाँ से हमारा चिपक रहा है। तो अब हम थोड़ा सा तेल लेके इसे और गूंथेंगे, हाथ पे थोड़ा तेल लगा के। देखिए, हाथ में तेल ले लिया। अब इसको हम आटे में ऐसे गूंथेंगे जिससे हमारा हाथ जो चिपक रहा है वो ठीक होगा। ये देखिए, हमारा आटा तैयार हो गया। अब इसे हम पूड़ी बना के तलेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब हम तेल को गर्म होने रख देते हैं गैस पे, तब तक हम अपना पूड़ी बनाएंगे। इसे पूड़ी तुरंत बनाना और डालना रहता है फ्रेंड, क्योंकि ये चिपक जाता है या फिर टूट जाता है। इसे पहले से बना के नहीं रख सकते, तो तेल गर्म होगा फिर हम पूड़ी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा लोई तोड़ के इसे गोला बना लीजिए, और उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसे प्रेस करेंगे धीरे धीरे। गांव में अधिकतर ऐसे ही बनाया जाता है, इसे बेल के बनाने से टूट जाता है, तो धीरे धीरे इसे प्रेस किया जाता है ऐसे। और फ्रेंड, अगर ये नया नया चावल हो तभी ठीक बनता है, नहीं तो ये टूट जाता है। और इसको ऐसे ऐसे प्रेस कर करके इसे थोड़ा सा बड़ा किया जाता है। और अगर आपसे ऐसा नहीं बने तो आप इसे पूड़ी प्रेस पर आप बना सकते हो, उसमें बहुत झटपट बनता है और अच्छा भी बनता है।
और उसको अच्छे से ऐसे से दबाया जाता है फिर हाथ से ही। अब उसके बाद इसे तलने के लिए गर्म तेल में छोड़ा जाता है। ये देखिए ये बन गया। और दूसरा विधि ये है फ्रेंड, ये लोई लीजिए और पूरी प्रेस में आप इसे प्रेस करते जाइए तो बहुत अच्छा जल्दी बन जाएगा ये। ये देखिए फ्रेंड हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपना पूरी को तलने के लिए डाल देंगे। और देखिए फूल गया ये। अब इसे हम पलट देंगे दूसरे साइड से। चलो देखिए फ्रेंड इसको हाथ से ऐसे ऐसे करना है। ये देखिए और इसे हम तलने के लिए फिर डाल देते हैं। और ये जो हो गया इसे निकाल लेते हैं। ये हो गया हाथ वाला। अगर आपसे हाथ से नहीं बनेगा तो आप इसे पूरी प्रेस से भी आप कर सकते हैं फ्रेंड, इसमें झटपट बन जाता है। ये देखिए इसे निकाल लेते हैं। अगर आप इसे पूरी प्रेस वाले सांचे से बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड पहले ये इसे आप एक पॉलीथीन इसमें बिछा लीजिए और उसमें तेल लगा लीजिए पहले ये इसमें इस पूरी प्रेस वाले सांचे में। और उसके बाद ये जो लोई है इसे आप इस टाइप से लोई बना के यहाँ बीच में रख लीजिए और इसे प्रेस कीजिए। इससे जल्दी बन जाता है फ्रेंड प्रेस वाले सांचे से। ये देखिए फ्रेंड इसमें बन गया ये। अब इसे आप निकाल लीजिए और इसे तलने के लिए फिर आप डाल दीजिए तेल में। ये देखिए हमारे तैयार है। ऐसे ही आप या तो प्रेस सांचा से या फिर डायरेक्ट हाथ से कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड इसे भी तलने के लिए डाल दीजिए। देखिए फ्रेंड पूरी सांचा में आप तेल लगा के इसे आप प्रेस कीजिए और इसे फिर ओपन कीजिए और इसे धीरे से हाथ में लेके इसे तलने के लिए डाल दीजिए। देखिए ऐसे ही सारे पूरी को आप बना सकते हैं, चाहे हाथ से हो चाहे पूरी प्रेस सांचा से, बहुत अच्छा बनता है। इसे आप बच्चे को टिफिन में भी डाल के दे सकते हो। देखिए दूसरे साइड से भी इसे सेक लीजिए। देखिए फ्रेंड ये दोनों साइड से सेकने के बाद इसे आप निकाल लीजिए और ऐसे ही सारे सभी पूड़ी को आप बना लीजिए और तल लीजिए और उसके बाद गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व कीजिए। देखिए फ्रेंड ऐसे ही सारे पूड़ी को आप डालते जाइए। और देखिए फूल जा रहा है तो पलट दीजिए और उसके बाद दोनों साइड से सेकने के बाद इसे निकालते जाइए। ये धीरे धीरे इसे बनाइए। इसका तेल को थोड़ा सा निकाल के इसे डालिए प्लेट पे। देखिए फ्रेंड ऐसे ही इसको तलना है धीरे धीरे और इसे निकाल लेना है।
ये देखिए फ्रेंड, सारे पूड़ी को मैंने तल लिया है। अब इसे आप टमाटर की चटनी साथ इसको खाइए। टमाटर की चटनी के साथ ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और यम्मी लगता है फ्रेंड। मैंने टमाटर की ये चटनी जो बनाया है ये भी मैं अपने वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप ये इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक कर लीजिए। और आपको कैसे लगी फ्रेंड मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताइए। मैं आपसे अगले रेसिपी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।